मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में 21 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब चौथे और आखिरी चरण में सोमवार को 8 सीटों पर मतदान होगा। यहां इंदौर को छोड़कर बाकी 7 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर बताई जा रही है। यहां पर 6 सांसद 1 पूर्व केंद्र मंत्री के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के डीआईजे बंगले स्थित चौकसी नगर पहुंचकर सलकनपुर सड़क हादसे में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर यादव ने परिवार के अन्य सदस्यों से भेंट कर घटना की पूरी जानकारी हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुर्घटना में घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है और मरने वाले परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देना तथा घायलों का संपूर्ण इलाज करने का प्रशासन को निर्देश दिया है। चलते हमारी अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के और अंतिम चरण के मतदान के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भोपाल में चुनाव प्रबंधक की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह से संबोधित किया है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की पोशाक है और वे अपने कर्मों से समाप्त हो रही है। जो समझदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी डूब रही है। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में रविवार को तेज बारिश हुई है। कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। छिंदवाड़ा में दोपहर 1 बजे के बाद से तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हुई। शिवपुरी के कोरास में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। रतलाम, देवास, विदिशा और मंदसौर में भी पानी गिरा है, कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। बैतूल जिले के मुलताई में बिजली गिरने से 1 आदमी की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग के निर्देशन के बाद भाजपा नेता व पूर्व केंद्र मंत्री कमल पटेल और कांग्रेस विधायक आर्य मसूद पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पटेल ने नाती के साथ और मसूद पर बेटे से वोट डलवाने का आरोप है। आयोग ने चुनाव की गोपनीयता भंग करने को लेकर एफआईआर दर्ज की है।